जैसा कि आप जानते ही हैं, महिंद्रा की थार 4x2 लॉन्च हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरा नाम है प्रवीण और बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। और मैं आपको बता दूं, बाहर से ये दोनों ही थार 4x4 और 4x2 सेम दिखती हैं। कोई पता नहीं लगा सकता है कि ये 4x4 है या 4x2 है। सिर्फ जो 4x4 थार है उसमें जो बैजिंग आती है, 4x4 की बैजिंग आती है और 4x2 में कोई बैजिंग नहीं मिलती। और मेरी माने तो आप एक अमेजोन से 4x4 का स्टिकर बाय करके उस पर चिपका सकते हैं और कोई बता भी नहीं पाएगा कि 4x4 है या 4x2। 2 का जो एक्सोरूम प्राइस है ये लगभग 9.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होगा और ऑन रोड प्राइस अभी इसका महिंद्रा ने अनवील नहीं करा है। थार आपको बहुत ही सही प्राइस में इसमें आने वाली है। इंजन की अगर बात करें, जो इसका पेट्रोल इंजन है ये 1.5 लीटर का एम स्टैलियन इंजन आपको मिलता है जो 4 सिलेंडर के साथ आता है। ये आपको 150 BHP का पावर प्रोड्यूस देता है और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये जो थार है ये रियर व्हील ड्राइव कार है और रियर व्हील ड्राइव भी कोई ऐसी वैसी नहीं। जैसे आप स्कॉर्पियो देख सकते हैं, इनका स्कॉर्पियो एन देख सकते हैं, ये कितने पावरफुल कार्स होती हैं। बिना 4x4 के भी ये काफ़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप इस थार से भी। अंदर से जो है इस थार में काफ़ी नए चेंजेस हुए हैं। जो इसमें जो पुरानी वाली थार आती थी, जिस थार को आप सभी लोग जानते हैं और जिससे ये इंस्पायर है ये वाली थार, तो उसमें 4x4 का जो लीवर था वो इस थार में जो है मिसिंग है। क्योंकि ये 4x2 थार है तो 4x4 लीवर तो हो ही नहीं सकता इसमें। और हाँ, और ना लगे इसलिए उस जगह पर इन्होंने क्या कर दिया है, आप एक स्पेस सा बना दिया जिसमें आप फ़ोन वगैरह पर्स वगैरह रख सकते हैं और वो भी काफ़ी कूल लग रहा है। अब जो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो थार है इसमें जो है आपको 7 इंच का बिल्कुल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी बड़ा सा आपको दिखता है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, जो कि वायरलेस बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसमें जो है एक और नई चीज़ ऐड हो गई है जो आप लोग पुरानी थार में मिस करते थे। जो महिंद्रा का न्यू लोगो है वो आपको इस थार में देखने को मिलेगा। जो इसका स्टीयरिंग है उसमें आपको ये लोगो एकदम दिखता है और प्रीमियम सा आपको फील कराता है। और बहुत ही सारे आपको कंट्रोल इसके स्टीयरिंग पे मिलते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, रेडियो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें। इसका जो इंजन है पहले वाली जो थार थी उससे बहुत ही रिफाइन मिलेगा, क्योंकि इंजन जो है नया इंजन कर दिया गया है। पहले 2.5 लीटर का था, 1.5 लीटर का हो गया है और ये काफ़ी रिफाइन इंजन है और चलाने में काफ़ी आपको स्मूथनेस इसमें आपको फील होगा। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये एक एडवेंचर कार है क्योंकि इसका नाम भी थार है। तो इसका जो डिज़ाइन है ये बॉडी ऑन फ्रेम डिज़ाइन मिलता है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल देखने को जरूर मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 4x4 और 4x2 में लगभग सेम मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा। जो 4x2 का ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 226 mm का है और 4x2 आपको ABS, ESP सभी चीज़ों के साथ मिलती है। और मैं आपको बता दूं, जो इसका गियर बॉक्स है ये ऑटोमेटिक मैनुअल 6-speed ट्रांसमिशन इन सभी चीज़ों में आता है। और थार में जो है महिंद्रा ने 2 और नए कलर लॉन्च किए हैं। एक तो ब्लेजिंग ब्राउन है जो हल्का ब्राउन सा दिखता है और एक वाइट एंड ब्लैक कलर है। तो शायद ये तो दोनों ही में मिलने वाला होगा, 4x4 और 4x2, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक में ही देंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि मुझको इस थार के बारे में क्या लगता है, ये थार वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ये थार जो है ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट और XUV300 के जो प्लेटफॉर्म है उस पर रिलीज़ होगी। तो जो इनका प्राइस है लगभग 12-13 लाख रुपए जो इनका प्राइस रहता है, तो ये थार उस प्राइस रेंज में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि थार का जो रोड प्रेजेंस है वो फॉर्चुनर से भी ज़्यादा है। तो मुझको तो ये कार पूरी वैल्यू फॉर मनी लगती है, पूरी की पूरी, और भोकाल टाइप कार। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें इसी चैनल से, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।